बंधुगण आजर एक वीडियो रे आमे जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानंक पाई एही डिसेंबर मास 2020 किपरी रहिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानंकर कर्मवृत्ति व्यवसाय आर्थिक दिग पारिवारिक दाम्पत्य जीवन एवं आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा संतान एही सबु संपर्क रे आज आमे जानिबा। ग्रह मानंकर गोचर आपण मानंकु केउं शुभ फल देई करि जीवो किंतु किछि ग्रह आपणक ठारु किछि छोडै नै पारे मध्य। भिडियोटिर शेषरे किछि प्रतिकार मध्य जानिबा सेथि पई भिडियोकु मन देइ शेष पर्यंत देखंतु। ताहा पूर्वरु एही भिडियोकु गोटे लाइक करंतु एवं आमो चैनलकु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुबा बेल रो आइकनकु मध्य प्रेस करंतु। तेबे बंधुगण ग्रह मानकर स्थितिकु देखि आसंतु जानिबा वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही डिसेंबर मासटी किपरि रहि। शनि आपणक कार्यक्षेत्र रे चलित मास रे अनेक परिवर्तन आणिबो। अर्थात आपण चलित मास रे जेउ सबु कर्म करिवे सेही कर्म रे आपणकु सफलता मिलिबो। आपणकर कर्मक्षेत्र रे आपणकर दक्षता विकास पाइबो। व्यापार क्षेत्र रे एवं आर्थिक क्षेत्र रे व्यवसायी माने चलित मास रे भल व्यवसाय करि पारिबे। विभिन्न सूत्ररु आपणकर व्यवसाय रे अर्थ आगमन हेबो एवं सरकार सूत्ररु मध्य एही मासरे आपण किछि लाभवान हेबार सूचना मिलुछि। आउ शिक्षार्थी मानंक कथा जदि आमे देखिबा ताहेले डिसेंबर मासरे शिक्षार्थी माने निश्चिंत भावरे पाठपढ़ा प्रति आग्रह प्रकाश करिवे एवं शिक्षा क्षेत्र रे मध्य उन्नति करि पारिवे। उच्च शिक्षार सुजोग मध्य पाई पारिवे। जेउ माने चाकरी आशाई प्रार्थी माने रहिछंती सरकारी हेउ किंबा बेसरकारी स्तर रे हेउ, जेउ माने कर्मसंस्थान खोजुछंती दुई पैसा रोजगार क्षम हेबा पई प्रयास जारी रखिछंती सेही भली चाकरी आशाई बा कर्मसंस्थान पाइबा सकासे जेउ माने प्रार्थी रहिछंती सेमाने मासर द्वितीयार्ध अर्थात अगस्त 15 तारीख परे आपण निष्ठापर भावरे इंटरव्यू निश्चित दियंतु। कर्मसंस्थान पाई आपण चेष्टा जारी रखंतु। निश्चिंत भावरे मासर द्वितीयार्धरे आपणंकु कर्म निजुक्तिर नुआ सुजोग आसिबो। आपण निश्चिंत भावरे कर्म निजुक्ति पाई पारिबे एवं निजर आर्थिक स्थिति को मध्य आपण सुदृढ करि पारिबे अर्थात रोजगार क्षम आपण होई पारिबे। पारिवारिक क्षेत्र कथा जदि देखिबा वृष राशिर मासर प्रथमार्धटि आपणंकर भल रहुथिले मध्य मासर द्वितीयार्धरे आपणंकर कुटुंबरे परिवाररे कोनोसी महिला सदस्यंकु नै आपणंकर घर भीतरे बाद विवाद सृष्टि होई पारे बा परिवाररे आपणंकर अशांति उत्पन्न होई पारे। तेणु आपण माने एही डिसेंबर मासरे पारिवारिक क्षेत्ररे निजर बुझामणा को ठीक रखंतु एवं पारिवारिक शांति को बजाय रखंतु। आपण अधिक कर्मक्षेत्ररे नियोजित होई घर परिवार को जदि आपण अवहेला करंती एहा द्वारा मध्य आपणंकर गृहरे अशांति देखा देई पारे। प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन कथा जदि देखिबा दाम्पत्य जीवन आपणकर प्रेम प्रसंगरे निश्चिंत भल कथा भीतरे टिके तिक्तता सृष्टि होई पारे। बाद विवाद उत्पन्न होई पारे। टिके टिके कथा को नै बुझामणारे असुविधा सृष्टि होई पारे। तेबे जीवन साथींकर दाम्पत्य जीवन कथा जदि देखिबा आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकु व्यथित करि पारे। आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्यगत समस्या आपणकु खर्चांतरे पकाई पारे एवं चिंतित मध्य होई पारंती। तेणु दाम्पत्य जीवन रे निजर क्रोध एवं बाणी उपरे आपण संयमता रक्षा करंतु। नचेत आपणकर दाम्पत्य जीवन रे आपणकर अशांति सृष्टि हेबार मध्य सूचना मिलुछि। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण कथाटि चलित मास रे आपणकर आर्थिक स्थिति किपरि रहिबो। जदि आर्थिक स्थिति कथा जदि देखिबा ताहाले व्यवसाय ओ वाणिज्य क्षेत्र रे एही मास रे आपण बहुत उन्नति करिवे। अर्थात एही मास रे आपणकर वाणिज्य व्यवसाय रे भल चालिबो एवं वाणिज्य व्यवसाय रु अर्थ आगमन हेबो एवं आपणकर मासर द्वितीयार्धरे अर्थात डिसेंबर 15 तारीख ठारु आपणकर खर्चर परिमाण बढ़ी पारे। जदि आपण पूंजी निवेश करिबा पई चाहुछंती ताहाले विज्ञ लोकमानंकर परामर्श नै देखि चाहि पूंजी निवेश करंतु। एबे आसंतु जानिबा डिसेंबर मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। स्वास्थ्य ही संपद
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କମିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଛୋଟମୋଟ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହୁଛି ଚଳିତ ମାସରେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ବୁଧବାରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସବୁଜ ଚାରା ବା ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହୁଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତ ଘଟିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।